हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के आपका स्वागत है। आज वीडियो हम बनाने वाले हैं इस सेंटा क्लॉज की ड्राइंग को हम कलरिंग करने वाले हैं, कलरिंग करने के लिए या फिर हम ऑयल पेस्टल का यूज करने वाले हैं। इससे पहले आपने पार्ट वन देखा नहीं होगा तो वो पार्ट वन आप देख लेना। वो उसमें आउटलाइन बनाई थी, इसको ग्रीन मेथड से बनाए थे, वो आप पार्ट वन में देख लेना। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या यहाँ पे मैं पहले फेस में शेडिंग करूँगा। फेस में शेडिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा। जहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करूँगा, और जहाँ पे लाइट दिख रहा है वहाँ पे मैं कम प्रेशर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं स्किन कलर को दूंगा उसके ऊपर। जहाँ पे हमने ब्राउन कलर का यूज़ किया था उसके ऊपर भी मैं स्किन कलर का अप्लाई करूँगा। जहाँ पे हमें डार्क वैल्यू देना है वहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करूँगा। वहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे मैं कम प्रेशर का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं पहले ब्राउन कलर के ऊपर स्किन कलर का भी अप्लाई करूंगा, और जहाँ पे हमें पिंक कलर दिख रहा है वहाँ पे हम पिंक कलर का यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें लाइट दिख रहा है वहाँ पे मैं व्हाइट कलर का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं कॉटन बर्फ के ऊपर व्हाइट कलर को घिस लूंगा, उससे हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। हम रेफरेंस फोटो में अच्छे से ऑब्जर्व करके यहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ पे हमें फेस में अच्छे सी ब्लेंडिंग करनी होगी, स्मूथ ब्लेंडिंग करनी होगी। ओके गाइस, यहाँ पे हम फेस में राउंड राउंड करके ब्लेंडिंग करेंगे, उससे हमारा जो कलर होता है वो अच्छे से मिक्स होगा। ओके गाइस, यहाँ पे मैं सेंटा क्लॉज की आई है, मैं ब्लू कलर से शेड करूंगा, उसके बाद मैं ब्राउन कलर से शेड करूंगा। ओके गाइस, यहाँ पे ज्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैं मीडियम साइज का चारकोल पेंसिल का यूज करने वाला हूँ, और जहाँ में हमें लाइट वैल्यू दिखाना है वहाँ पे मैं स्क्रैच दूंगा। यहाँ पे हेड में मैं पहले व्हाइट कलर से शेड करूंगा, उसके बाद मैं लाइट ब्लू कलर से शेड करूंगा। मैं रेड कलर से शेड करूंगा, उस जहाँ पे डार्क वैल्यू दिखेगा वहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करूंगा। जहाँ पे मीडियम हमें दिखाना होगा वहाँ पे मैं कम प्रेशर का यूज़ करूंगा। और हमें अच्छे से शेडिंग करनी होगी, उससे ही हमारी जो ब्लेंडिंग होती है वो अच्छी बनेगी। जहाँ पे ज़्यादा हमें डार्क दिखेगा वहाँ पे मैं जहाँ पे हमारे हेड में ज्यादा लाइट दिख रहा है वहाँ पे मैं व्हाइट कलर का यूज करूंगा। यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज करूंगा, जहाँ पे हमें डार्क दिखेगा वहाँ पे हम ब्लैक कलर का यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं ब्लेंड करने के लिए कॉटन बर्फ का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से कॉटन बर्फ से ब्लेंड करूंगा। यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम जो बियर्ड में हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे। व्हाइट कलर का यूज करने के बाद हम स्काई ब्लू का यूज करेंगे। उसके बाद मैं कॉटन ब्रश से ब्लेंड कर लूंगा। स्क्रैच से मेथड का यूज करने वाला हूँ, और टू बी पेंसिल से मैं यहाँ पे शेड कर लूंगा। यहाँ पे जो सेंटा क्लॉज के कपड़े में मैं रेड कलर का यूज करने वाला हूँ। हैंडी को देने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज करने वाला हूँ, और ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे मैं कॉटन बट का यूज करने वाला हूँ। Thank you.
हाथों में ब्राउन कलर का यूज करूंगा और बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करने वाला हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे आपको ड्राइंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और तब तक के लिए बाय।